आज मैं आपका सिर्फ 5 मिनट लेने वाला हूँ। अगर आपने मुझे ये 5 मिनट दे दिया तो मेरी जान पूरी लाइफ शेर की तरह जियोगे। मेरी जान, दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी। क्या आप चाहते हो कि दुनिया आपको सलाम ठोके? क्या आप चाहते हो कि आपसे मिलने के लिए लोग तड़पे? लड़कियां कहे, हाँ यार काश ये मुझे मिल जाता। क्या लड़का है यार, हे भगवान काश ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। तो आज मैं आपको फारू एटीट्यूड लाने के 3 नेक्स्ट लेवल टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे आप अपने अंदर ले आते हो तो दुनिया आपको सलाम ठोकना स्टार्ट कर देगी। और भाई कसम से लड़कियां आपको पाने के लिए तड़पेगी। वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि आप जितना लाइक करोगे उतना ही ये वीडियो बूस्ट करेगा और हर एक कमजोर व्यक्ति तक पहुंचेगा जिसे दुनिया छोटा समझती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस कमाल के वीडियो को। सबसे फर्स्ट टिप है, खुद को एक अनसुलझा हुआ पहेली बनाओ। मेरी जान, किसी के भी सामने एक खुली किताब मत बन जाना। खुली किताब मीन्स एक सुलझा हुआ आदमी, शरीफ आदमी। क्योंकि मेरी जान, जिन किताबों को लोग पढ़ लेते हैं उन्हें रद्दी के भाव में 2% के हिसाब से बेचा जाता है। तो ये दुनिया भी वही है मेरी जान। किसी के सामने अगर तुम ऐसे ही खुली किताब की तरह बने रहोगे तो यही 2% की इज्जत मिलेगी तुम्हें। लोग यही समझेंगे कि 2% की औकात है तुम्हारी। तो मेरी जान, अपने आप को एक अनसुलझा हुआ पहेली बनाओ, जिसे सुलझाते सुलझाते दुनिया खुद उलझ जाए। मेरे कपड़ों से न कर मेरे किरदार का फैसला, मेरे कपड़ों से न कर मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत जानते जानते। इसलिए अपने आप को एक ऐसी पहेली बनाओ कि दुनिया ये कहना छोड़ दे, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुत्ते की औकात नहीं होती इस दुनिया में, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये भौंकेगा या काटेगा। लेकिन शेर की औकात होती है, क्योंकि लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि शेर दौड़ाकर चीड़ेगा फाड़ेगा या चीड़ फाड़ कर दौड़ाएगा। सेकेंड नंबर पॉइंट है, बढ़ते रहो, दूसरों की परवाह मत करो। जब भी निभाओ तो दोस्ती दिल से निभाओ, लेकिन मेरी जान दुश्मनी दिमाग से निभाओ। मेरी जान, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका दुश्मन कौन है, आपका दुश्मन कोई भी नहीं है और सब आपके दुश्मन ही हैं। अगर आप समाज के हिसाब से करते रहते हो, जैसे लोग बोलते हैं वैसे करते रहते हो, तो मेरी जान हर कोई आपका दोस्त है। और अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो तो मेरी जान हर एक दोस्त आपका दुश्मन बन जाता है। ये दुश्मन आपको मारेंगे नहीं, आपको अंदर से खोखला करते जाएंगे। आप अगर कुछ कर रहे हो तो आपको कहा जाएगा, तेरे से नहीं हो सकता, ये तू नहीं कर पाएगा, तुझमें इतना टैलेंट नहीं है। तो आपको बोलना है, मैं इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता हूँ, मैं इतनी जल्दी हार कैसे मान लूं? अगर खुदा भी कह दे तू हार गया है, अगर खुदा भी कह दे तू हार गया है, तो भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पीछे बहुत से लोगों की उम्मीद जुड़ी है। मैं कैसे हार जाऊं? मैं कैसे हार सकता हूं? तुम ही बताओ। मेरी जान, हार न मानने की कोशिश में कब जीत मिल जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कभी कभी गुच्छे का आखिरी चाबी भी ताले को खोल सकता है। एक चीज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझसे फॉलो करके कभी भी बात कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा हुआ है। थर्ड नंबर पॉइंट, सक्सेस पाओ। मेरी जान, अगर तुम किसी भी चीज में लोगों से छोटे हो तो वो तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं। या तुम अच्छे नहीं हो, छोटे हो, तो लड़कियां तुम्हें रिजेक्ट करती। आज तक जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया है सबको अपने दिमाग में रखो और बस सक्सेस की तरफ भागो। भाई अगर पैसा होगा ना तो जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया है वो तुम्हारे पैर धोने आएंगे। जो लड़की तुम्हें इग्नोर किए जा रही थी, तुम्हारे मैसेज को सीन करके रख देती थी, कसम से वो खुद आपके पास आएगी और आपसे प्यार की भीख मांगेगी। भाई पैसा है तो सब कुछ है, सक्सेस है तो सब कुछ है। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ मेरी जान कि जिसके लिए आप तड़पे हो, जिसने आपको छोटा समझा है, वो आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। वक्त बदलता है मेरी जान, किसी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। आज उसका वक्त है, कल आपका होगा। मेरी जान, वक्त सबकी लेता है, वक्त वक्त पर, सही वक्त पर। एक वक्त ऐसा आएगा ना, जिसने आपको रिजेक्ट किया है, जिसने आपको छोटा समझा है, उसको आप एक दिन फाड़ कर आगे निकल जाओगे और वो बस देखती रह जाएगी। याद रखना, कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। एक बात याद रखना दोस्तों, लेकिन एक वक्त होगा जब आपके पास बहुत कुछ होगा। ये मेरी दुआ है, आप सक्सेस अचीव करो। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके पास सब कुछ होगा। तो मेरी जान, उस वक्त अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो भूखा हो या वो कमजोर हो, आपसे किसी भी तरह की मदद चाहता हो, तो मेरी जान उसकी मदद जरूर करना। उसके साथ इज्जत से पेश आना, उससे ये मत कहना कि तुम्हारी औकात क्या है। मेरी जान,
ये मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको लगा हो कि ये 5 मिनट में मैंने बहुत अच्छी बात कही है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस दुनिया में कोई भी कमजोर नहीं है, क्योंकि याद रखना कमजोर उसका वक्त है, वो खुद कमजोर नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।